कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाय चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी ग्रामर, व्याकरण। इन दिस आवर टॉपिक इज वर्ण, लेटर्स। कैन यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? नो, वी कांट। नाउ हाय चिल्ड्रन, how are you? Now you can understand easily because I used language. What is language? The system of sounds and writing that human beings use to express their thoughts, ideas and feeling is called language. अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रयोग में आती है, मौखिक ओरल और लिखित रिटन। व्याकरण किसे कहते हैं? वह व्यवस्था जो भाषा के निश्चित उच्चारण और निश्चित लेखन में बांधी है, उसे व्याकरण कहते हैं। इस व्याकरण में आज हम देखने जा रहे हैं वर्ण, लेटर्स। ग्रामर इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। व्हाट इज ग्रामर? द सिस्टम बाइंड्स द लैंग्वेज इन डेफिनेट प्रोनंसिएशन एंड डेफिनेट राइटिंग, इट इज कॉल्ड ग्रामर। वर्ण, लेटर, एक छोटी सी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट एंड सिंगल यूनिट इज कॉल्ड लेटर। ये एक स्वतंत्र इकाई है, इट इज एन इंडिपेंडेंट लेटर। हम इनको तोड़ नहीं सकते, वी कांट स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, उच्चारण प्रोनंसिएशन, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। बेस्ड ऑन प्रोनंसिएशन इन हिंदी 45 लेटर्स आर देयर, 10 वॉवल्स एंड 35 कॉन्सोनेंट्स। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। There are 52 letters based on writing, 13 vowels, 35 consonants and 4 compound consonants. वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर vowels और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर वोवल्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। वोवल्स आर डिपेंडेंट ऑन साउंड्स विच वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम माउथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, लाइक आ, ओ, ई, ए, औ, जैसे आ से अह, अ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ए, ओ, ओ, अम, अह। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। लेटर्स स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, जैसे क से ह, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ,
ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स संयुक्त व्यंजन कॉम्पाउंड कॉन्सोनेंट्स। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड कॉम्पाउंड कॉन्सोनेंट्स। क प्लस श क्ष इत त प्लस र त्र झ प्लस ञ ज्ञ श प्लस र स्र स्वरों के मात्रा चिन्ह वोवल साइन। आ की मात्रा वन स्टैंडिंग लाइन नेक्स्ट टू द लेटर। छोटी ई की मात्रा लेफ्ट साइड कर्व। बड़ी ई की मात्रा राइट साइड कर्व। छोटी ऊ की मात्रा लाइक रिवर्स सी बॉटम ऑफ द लेटर। बड़ी ऊ की मात्रा लाइक स्मॉल ए बॉटम ऑफ द लेटर। रू की मात्रा लाइक सी बॉटम ऑफ द लेटर। ए की मात्रा सिंगल हॉर्न ऑन द टॉप ऑफ द लेटर। ए की मात्रा डबल हॉर्न ऑन द टॉप ऑफ द लेटर। ओ की मात्रा adding single line with one horn. O ki matra adding single line with two horns. Ang ki matra dot on the top of the letter. Ah ki matra two dots next to the letter. Now let us see the pronunciation. आ आ की मात्रा काला। ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा किरण। बड़ी ई की मात्रा का ली लॉन्ग साउंड काली। छोटी ऊ की मात्रा सुन्ना। बड़ी ऊ की मात्रा ऊंट लिटिल लॉन्ग साउंड। ए की मात्रा पेन। ए की मात्रा केला। ओ की मात्रा कोमल। ओ की मात्रा कौशल। अंग अंग की मात्रा अंगूर। अह अथर। What did you learn in this class? We learned वर्ण in the स्वर व्यंजन और मात्राएं। दो अक्षर वाले शब्द टू लेटर वर्ड्स व न वन ग र गर आ म आम ग ज गज। तीन अक्षर वाले शब्द थ्री लेटर वर्ड क ल म कलम। ग ग न गगन। श ह द शहद।
हनी, चार अक्षर वाले शब्द। अ, द, र, क, अदरक, क, ट, ह, ल, कटहल। अ, ज, ग, र, अजगर, अजगर पाइथन। अब मात्राएं के साथ कुछ शब्द। मो, र, मोर, की छोटी की मात्रा। ता, ब, किताब, ब, गी, छोटी की मात्रा। या, बगिया, बगिया गार्डन। प, री, छोटी की मात्रा। वा, र, परिवार, परिवार फैमिली। Children, like this, we can make many meaningful words. Now, let us see NOL part. वर्ण। वर्ण, छोटी से छोटी ध्वनि जिनके इकट्ठा ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर, जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप के बिना किसी रुकावट के होते हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से ह। अक्षर, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके इकट्ठे ना हो सके इसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके इकट्ठे ना हो सके इसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वे स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होते हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से ह।
अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस ग्रामर पार्ट। धन्यवाद बच्चों। हिंदी वर्णमाला क से ज्ञ तक। क, क से कबूतर। ख, ख से खरगोश। ग, ग से गमला। घ, घ से घर। अंग, अंग से कोई शब्द नहीं बनता, परंतु इसका प्रयोग शब्दों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है। च, च से चरखा। छ, छ से छतरी। ज, ज से जलेबी। झ, झ से झरना। य, य का प्रयोग हम शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं। ट, ट से टमाटर। ठ, ठ से ठेला। ड, ड से डफली। ढ, ढ से ढोलक। ड, ड से कोई शब्द नहीं होता, परंतु इसका प्रयोग हम शब्दों के बीच में व आखिर में करते हैं। त, त से तरबूज। थ, थ से थर्मस। ड, ड से दरवाजा। ध, ध से धनुष। न, न से नल। प, प से पतंग। फ, फ से फल। ब, ब से बकरी। भ, भ से भालू। म, म से मछली। य, य से यज्ञ। र, र से रस्सी। ल, ल से लड्डू। व, व से वर्षा। श, श से शेर। श, श से षटकोण। स, स से सपेरा। ह, ह से हाथी। श, श से क्षत्रिय। त्र, त्र से त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी।